लिल्ली घोड़ी लुप्त हो रही कला को जीवंत करने का प्रयास किया गया शांति दौड़ में। जी हाँ, इस बार की शांति दौड़ में एक बार और यादगार रही बुंदेलखंड बघेलखंड की सांची विरासत का किसी जमाने में आकर्षण का केंद्र रही लिल्ली घोड़ी, जो शादी बारात के खास मौके पर घरों में नजर आती थी, या यूं कहें बगैर लिल्ली घोड़ी के शादी नहीं होती थी। वक्त के साथ यह कला लुप्त होने लगी। इसको जीवित करने का प्रयास एक बार फिर हुआ और इसी के चलते शांति दौड़ के दौरान इसका प्रदर्शन भी किया राजभोला तिवारी ने, वह भी एक नए अंदाज में। युद्ध की भाव भंगिमा का प्रदर्शन, वह भी बिंद के रणबांकुरे रणमत सिंह को समर्पित चमचमाती तलवार के साथ, जैसे युद्ध में सारे विरोधी एक ही बार में खत्म। रीवा दर्शन की टीम ने लिल्ली घोड़ी को जीवंत करने वाले राजभोला तिवारी से खास बातचीत की। तो वहाँ तो मैंने पहली बार प्रयोग में किया उनके, विभिन्न स्कूलों से आए हैं, कन्या महाविद्यालय से, और नाटक हुआ और वो लोग भूल गए, पर कुछ लोगों के दिमाग में चीजें रह गई, जैसे हमारे सुधीर सिंह जी आर्ट पार्क संचालक आए हैं, मुकेश भैया हैं, सभी का एक बार फिर स्वागत अभिनंदन है। तो उनको ये चीज जच गई कि ये जो लोक संस्कृति है, अपने लोक नृत्य है, ये कहीं विलुप्त का दौर पहुंच गया है, धीरे धीरे लगभग समाप्त की ओर बढ़ रहा है। तो उन्होंने मुझे प्रेरणा एक संदेश थोड़ा सा मार्गदर्शन दिया, उसके बाद तीसरा ये नहीं आप इसको जीवित रखो, हर बच्चा स्वस्थ रहे, ये विधा आपके द्वारा ही आगे बढ़े, ऐसा करें। ये दो एक ऐसा अभियान है जिसमें हम सब भागीदारी निभाएंगे। यहाँ पे मुकेश भैया जी के द्वारा मुझे भारत भर में दो बार कि भारत पर्व में अपना जिसमें मैंने ठाकुर रणमत सिंह जी के ऊपर एक उनकी जीवनी पे एक छोटा सा नृत्य नाटिका तैयार की थी और उसके कई जगह मंचन किए, रीवा में किए, उसके बाद सिंहस्थ में किया मैंने, उज्जैन में जब सिंहस्थ था अंतर्राष्ट्रीय मंच था, अभी गर्मियों में जो भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय नाटकों का आयोजन था उसमें मेरी प्रस्तुति हुई, ये मेरे लिए सौभाग्य है, या कहे रीवा के लिए सौभाग्य है। ठाकुर रणमत सिंह के उस पे आप एक किरदार दिल्ली में करने जा रहे हैं। जी जी, श्री महानुभाव हमारा स्वच्छ भाई साहब, देखिए होता क्या है कि शहीद जो हुए हैं अपने इस मिट्टी के लिए मर मिटे हैं, तो बहुत से ऐसे चरित्र हैं जो धूमिल हो चुके हैं और ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम समय समय पे उनके चरित्र को सामने लाएं, उनके योगदान को, उनके बलिदान को लोगों को बताएं उनके बारे में। तो मैंने ये विषय चुना कि जो 1857 में अपने बिंद क्षेत्र के जो वीर हुए हैं जिन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया और अपने प्राणों की आहुति दे दी, जिनमें ठाकुर रणमत सिंह थे, श्याम शाह सिंह जी थे, धीर सिंह, लोचन सिंह, पंजाब सिंह और ना जाने कितने ऐसे धूमिल हो चुके आज का आगाज क्रांतिकारी थे जिनको आज लोग भूल गए हैं या नई पीढ़ी बिल्कुल ही नहीं जानती। सभी लोग
तो ये हमारा भी कर्तव्य है और आप लोगों का भी कर्तव्य है कि समय समय पर इनके विषय में हम लोग इनकी वीर गाथाएं सुनाएं। तो मुझे ऐसा ही विषय ठीक लगा कि मैं ठाकुर रणमल सिंह जी के जीवन के को लेकर के और उस समय के जितने क्रांतिकारी थे सभी लोग तो सबके बारे में थोड़ा थोड़ा मैं लोगों को जागरूक करूं और ऐसा नाटक और आज ये 33वें ऐसे कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं। अभी मुझे दिल्ली जाने का है, आज जाऊंगा कल वहां शो है। तो दिल्ली में मैंने इसी को चरित्र को सुना है रमन सिंह जी के, उसमें ये वीर रस का नृत्य नाटिका करूंगा वहाँ पे। मैं निवेदन करूंगा लिली घोड़ी जो है ये अपने बिंदु बहुत ही पुराना जी अरुण मिश्र जी ये ऐसी बहुत सारी लोक नृत्य थी। अच्छा एक छोटा सा उदाहरण है भाई साहब कि हमारी जो लोक संस्कृतियां हैं वो जब तक हम करते रहते हैं तब तक जब तक वो दिखती हैं तब तक उसे आप जीवंत माने और जैसे ही दिखना बंद हो जाएगी वैसे मृत होना शुरू हो जाएंगे, चाहे वो हमारे लोकगीत हो चाहे वो लोक नृत्य हो चाहे लोक परंपराएं। हमें जो मार्गदर्शन प्रदान करते हैं तो लिल्ली घोड़ी जो है तो पहले अपने यहाँ रीवा राज घराने में भी इसका बड़ा सम्मान था, ऐसे कलाकारों को वहाँ मतलब परिश्रम किया जाता था और उनके जीवन यापन के खर्चे उठाए जाते थे, बड़े सम्मानित थे। समय बीता गया और आज आगे चल के ये थोड़ा अपेक्षित होने चली गई। इसके जो कलाकार थे वो तिरस्कार के शिकार होते गए, हंसी के पात्र बनते गए और इस तरह से धीरे धीरे करके लोगों ने छोड़ ही दिया।